नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हमारे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही भक्ति भाव और प्रेम के साथ मनाया जाता है। भादो माँ की अष्टमी के दिन ही आज से ही 5000 साल पहले भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में मथुरा में जन्म लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबके मन में एक अलग सी उमंग रहती है और होना भी चाहिए। आज उनके नंदलाला का जन्मोत्सव जो है, इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण जन्मभूमि एवं सनातन सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में संस्था के कार्यालय पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भजन संध्या का आनंद लिया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण जन्मभूमि एवं सनातन सेवा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवम मिश्रा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दिवाकर पांडे और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय प्रभारी शैल मिश्रा समेत कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रीय कृष्ण जन्मभूमि एवं सनातन सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने कहा कि आज भगवान का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। हमारा संगठन हर वर्ष की भांति इस साल भी बांके बिहारी का जन्मोत्सव मना रहा है। सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। जो भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, वो अपने आप में एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता, बस उस रास्ते का सबको अनुसरण करना है। सुरेश मिश्रा ने कहा कि हर सनातनी के घर कम से कम गौ सेवा जरूर होनी चाहिए, जिसके लिए गौ पालन भी सबको करना चाहिए। वहीं हमारी प्राचीन संस्कृति में सभी घरों में गाय जरूर पाली जाती थी, आज वो सब फिर से करना है, तभी सनातन ध्वजा मजबूती से लहरा सकेगी। अब बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके द्वारा, क्या कहना चाहिए? भगवान कृष्ण का, हमारे बांके बिहारी का इस बार 5200 मना रहे हैं और हम अपने जन जन में ये भी कहना चाहते हैं कि सब लोग भगवान आराध्य का अपने जन्मदिन मनाएं और प्रभु बांके बिहारी से जुड़ें। आपका खुद का एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय? हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय किस जन्मभूमि सनातन सेवा फाउंडेशन है। हमारी संस्था गरीब बच्चों को शिक्षा देना, गुरुकुल, वृद्धा आश्रम, ये कार्य करती है। अभी हाल में ये गौशाला को बढ़ावा दे रहे हैं, खुरपी गाय पालें, क्या मानते हैं इसके पीछे? जी देखिए, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसको मान करके हम खुद गाय पाले हैं और गाय पे आगे चर्चा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या मानते हैं आने वाले समय में, जो अभी बांसों पर पृष्ठभूमि चल रही है, समाजिक प्रदर्शन चल रहा है जी, किस तरह अपने आप को बदल सकते हैं? जो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार अपराध भी हो रहे हैं, लोग परमात्मा दूर जा रहे हैं और अपने आप को दूसरी व्यवस्था पर लेके जा रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सनातन धर्म से अपने जोड़ें और हर एक आदमी को भगवान के भक्ति से जोड़ें। धीरे धीरे हमारी समाज बदलेगी और आस्था बदलेगी। अंतिम इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के प्रति हमारी ये इच्छा है कि लोगों के प्रति भगवान कृष्ण की भक्ति उजागर हो, प्रभु लोग भगवान भक्त से जुड़ें, प्रभु का नाम लें और क्या लोगों का। आप एक अधिवक्ता, उसके बावजूद लगातार आप जी जो है, अधिवक्ता हो कोई कुछ भी हो, लेकिन प्रभु से दूर कोई नहीं है। अगर प्रभु को कोई ध्यान करेगा तो प्रभु निश्चित उसका कल्याण करेंगे। राधे राधे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।